वेलकम टू कुकिंग सुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी चूरमा बनाना बताऊंगी। ये खाने में सभी को बहुत पसंद आता है। ये तीनों चीजें हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, जिससे कि है हमारी दाल बाटी और चूरमा जो है झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चना दाल ली है, ये मैंने आधा कप लिया है और आधा कप से ज्यादा हमें उड़द की दाल लेनी है। ये देखिए, बिना छिलके की मैंने यहाँ पर दाल ली है। और हमें आधा कप से ज्यादा मूंग का मोगर लेना है। ये देखिए, इस तरह का बिना छिलके का हमें लेना है। दोनों को हमने बराबर लिया है, उड़द की दाल और मूंग का मोगर। चने की दाल हमने थोड़ी कम ली है। इन तीनों दाल को हम एक साथ आधा घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से हमें इनको 2-3 बार पानी से वॉश करना है। फिर हम पानी डालकर 1 घंटे के लिए हम रख देंगे, ताकि दाल अच्छी तरह से भीग जाए और फूल जाए। 1 घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छी तरह से भीग गई है, फूल के भी डबल हो गई है। इसका मैंने पानी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम कुकर लेंगे और कुकर में हम दाल को डालेंगे। तो कुकर में मैं दाल को डाल देती हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, 1 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम खाने वाला तेल इसमें ऐड करेंगे। तेल को मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब हम दाल को पकाएंगे, जो दाल का जो पानी होता है पकने पर कुकर के बाहर आ जाता है, तो बाहर नहीं आए, इसीलिए मैंने इसमें तेल ऐड किया है। अब इसमें हम साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। सूखी लाल मिर्च जो आती है वो इसमें हमें ऐड करनी है इस तरह की। तो इसके हम 2-3 टुकड़े कर देते हैं, इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, गैस को फुल फ्लेम पे हमें रखना है। अब कुकर को हम बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देंगे और बिसल आने देंगे। कम फ्लेम पे 2 बिसल आने देंगे, बाद में फ्लेम को हम तेज कर देंगे। पांच से 10 मिनट तक हमें कम फ्लेम पर रखना है और 2-3 बिसल हम आने देंगे। फिर हम तेज फ्लेम पे 2-3 बिसल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। दाल ठंडी होती है जब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चूरमे का डो लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 2 टीस्पून हमें सूजी ऐड करनी है, ये मैंने बारीक सूजी ली है। 2 टीस्पून ही हमें घी ऐड करना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का गुनगुना पानी से हमें इसका डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस तरह हमें इसका टाइट डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं इतना टाइट हमें इसको रखना है। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं और इसी में हम बाटी का आटा भी लगा लेंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है, 1/2 टीस्पून से कम हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हमें नमक ऐड करना है, कम ज्यादा आप स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, 1 टीस्पून हमें अजवाइन लेनी है वो भी इसमें हम ऐड करेंगे, 6 टीस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। बाटी में हम घी का मोइन देते ज्यादा बेस्ट रहता है। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाटी को भी हम गुनगुने पानी से गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है, ज्यादा टाइट भी हमें इसका डो नहीं लगाना है। इस तरह अच्छी तरह से सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। हमें इस तरह का डो लगाना है। इसको भी हम सेट होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए।
डो सेट होता है, तब तक हम दाल को तैयार कर लेते हैं। कुकर को भी अब हम खोल लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं दाल जो है हमारी पूरी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। गैस पे मैंने बर्तन रखा है, गैस को ऑन कर दी है, तो 2 टीस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। घी से जो है दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है। घी गरम हो गया है तो 1 पिंच मैंने यहाँ पर हींग ली है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लग गया है तो अब इसमें हमें लाल मिर्च ऐड करनी है। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 और आधी चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दूध। और एक बार हम अच्छे से इनको हिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दूध क्यों मिलाया। दूध इसलिए मिलाया कि इसमें जो हमने बघार लगाया था उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, दाल दिखने में बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव लगेगी। थोड़ी देर के लिए हम इसको कम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक ये चिकना ही न छोड़े। घी चिकने छोड़ने लग गया है तो 1/2 टीस्पून से कम हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और दाल को ढककर रख देंगे। अब हम बाटी और जो चूरमे का जो डो लगाया है उसको हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो अच्छे से तैयार हो गए हैं। व्हाइट डो जो हमने लगाया था वह चूरमे का है और जो येलो डो है उससे हम बाटी बनाएंगे। तो व्हाइट डो को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को अच्छी तरह से हमें इस तरह गोल गोल करना है। इस तरह हमें गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल इसको बाटी का शेप देना है। इस तरह हमें इसको तैयार करना है। दोनों को हमें इस तरह अच्छे तरह से मिक्स करके और इसको हम तैयार करेंगे। इसी तरह हम येलो डो को भी डिवाइड कर लेते हैं। जितनी साइज हमें चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हम इसको बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसके भी हम लोइयां बना लेते हैं। उसी तरह हाथ से दबाते हुए हमें इसको गोल गोल करके राउंड करना है। इस तरह हमें सारी बाटी बना के रखनी है। अब इसको हम कुकर में पकाएंगे। गैस पे मैंने कुकर रख दिया है। इसमें अब हम घी ऐड करेंगे। 2 से 3 टीस्पून हमें इसमें घी ऐड करना है। घी मेल्ट हो गया है तो जो बाटी हमने बना के रखी थी व्हाइट वाली और येलो वाली दोनों ही हम इसमें डालेंगे। इस तरह हमें नीचे रख देना है दोनों को। ये देखिए इस तरह हमें सभी को रख देना है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और जो बिसल है वो हमें निकालनी है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो कुकर को अब हम हिला देते हैं। इस तरह हमें कुकर को हिलाना है। अब 2 मिनट हम इसको पकने देंगे। अब कुकर खोलकर हम एक बार चेक कर लेते हैं। बाटी को अब हम पलट देते हैं। इस तरह चिमटे की मदद से अच्छी तरह से हम इसको पलट देंगे। एक साइड से जो है बाटी हमारी सिक गई है, आप देख सकते हैं। कुकर को अब हम वापस बंद कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमें और बाटी को सेकना है। गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर लेते हैं और कुकर को खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए बाटी हमारी सिक गई है। जो व्हाइट बाटी हमने बनाई थी वो हम निकाल लेंगे और अब हम कुकर को ढककर रख देते हैं ताकि हमारी बाटी जो है गर्म रहे। ये देखिए कितनी अच्छी जो है हमारी बाटी चूरमे की सिक कर तैयार हुई है। इसको ठंडा होने के बाद हमें तोड़ना है। बड़ी आसानी से टूट जाती है, ये देखिए। इस तरह हमें इसका चूरा करना है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। के जार में हम इसको डाल देते हैं। ज्यादा बारीक नहीं करना है हमें। इस तरह हमें इसको पीसना है। थोड़ी हम डालेंगे पिस्ता कतरन, थोड़ी
थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर, हाफ कप यहाँ पर मैंने लिया है शक्कर का बूरा। थोड़ा थोड़ा करके हमें घी ऐड करना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी उतना ही डालेंगे जितने की हमारे लड्डू बन जाए। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो उसमें थोड़ा घी ऐड कर दीजिए, लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे, साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से लड्डू हमारे बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह देखिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता लड्डू बनाने में। दोनों हाथ से इसको हल्का हल्का इस तरह हमें राउंड करते हुए लड्डू बनाना है, आप देख सकते हैं। बाटी भी जो है हमारी सीख बहुत अच्छी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। गरम घी करके हमें बाटी इसमें डालनी है। इस तरह हमें बाटी को उठाना है, गरम गरम घी में इस तरह डीप करके हमें निकालना है। दाल बाटी चूरमा को मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बाटी बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम इसको कुकर में पकाएंगे तो बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है, और बीच में जो है हम एक बार खोल के चेक कर लेंगे और उसको पलट देंगे, जिससे जो है बाटी हमारी अच्छी सिकेगी। और चूरमा पे जब हम बनाएंगे तो यदि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए, लड्डू आसानी से जो है बंध जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।